अब पिवट टेबल हमने यहाँ पे बना लिया है, हमने यहाँ से उठा के पिक करके यहाँ पे ऊपर नीचे रख दिया है, मेरा पिवट टेबल बन गया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है, क्योंकि मैं रिपोर्ट को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो इसमें दो चीज़ें हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम पिवट टेबल बनाने के बाद उसको नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं, और नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो उस केस में जो आप नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं उसी तरीके से आप कर सकते हो, बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है जो उसको जो रिपोर्ट बनती है पिवट से उसको हमें एज ए पिवट ही प्रेजेंट करना होता है। तो इस केस में अगर नॉर्मल फॉर्मेटिंग करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग प्रिजर्व हो जाती है, मतलब कि चेंज हो जाती है, क्योंकि वो पिवट फॉर्मेट नॉर्मल फॉर्मेटिंग पिवट का पार्ट नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में हम बात करेंगे कि पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको एक डिजाइन का टैब दिखता है, इस डिजाइन के टैब पे जाएं और यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइंस दिखेंगे पिवट टेबल के। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन ला सकते हैं, ये आपका पिवट टेबल हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पिवट टेबल, अगर आपको रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल ही रखना है तो डिजाइन से आप जो है पिवट टेबल स्टाइल को चूज करें। ठीक है जमुना जी? यस।